बंगाल की खाड़ी के बाद अब अरब सागर में तूफान उठा। अरब सागर में उठे तूफान निसर्ग का महाराष्ट्र गुजरात में खतरा बढ़ा है और महाराष्ट्र गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी है। 3 जून को गुजरात के तट पर दस्तक दे सकता है तूफान निसर्ग। महाराष्ट्र गुजरात के साथ राजस्थान में भी इसका असर दिखेगा। तूफान से राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश की भी संभावना है। बाड़मेर, जालौर, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, कोटा और झालावाड़ समेत 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों का अलर्ट जारी किया है। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे भी फोन लाइन पर फिलहाल मौजूद हैं। ऋषभ, देखिए राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्या अपडेट? 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी यहां पर दी गई है। बिल्कुल, देखिए मनीषा, मौसम विभाग ने जो महाराष्ट्र गुजरात में अलर्ट चल रहा था उसके साथ साथ राजस्थान को भी अलर्ट पर कर दिया है, जिसके चलते अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और करीब 40 से 50 किलोमीटर तक की हवा चलने की अलर्ट जारी किया है। उसमें झालावाड़, जालौर, डूंगरपुर, सिरोही, बाड़मेर, इन जिलों को खासकर अलर्ट पर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर खासा बारिश होने की संभावना है। क्योंकि 3 जून को जो तटीय क्षेत्र पर निसर्ग टकराने वाला है, उसके बाद कहीं ना कहीं गुजरात से सटे होने के कारण राजस्थान में इसका असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। जी मनीषा, बिल्कुल ऋषभ, तमाम अपडेट के लिए, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें, अब चक्रवात निसर्ग ने खतरे की घंटी बजा दी है।